हेलो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ख़ास होने वाला है। भाई साहब, मैं सबसे ज़्यादा टाइम जहाँ पे जाना पसंद करता हूँ उसके बारे में बात करूँगा, और उम्मीद करता हूँ ये प्लेस आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इधर एक बिजनेस कॉन्सेप्ट के बारे में मैं बात करूँगा। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं अपने इंटरेस्ट में इसके बारे में बात कर रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। भाईजग का मोस्ट फेवरेबल प्लेस। भाईजग का स्टूडेंट्स या जो लोग रीडर्स होते हैं ना, उनके लिए पेजेस बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस होता है, क्योंकि यहाँ पे लोग बैठ के पहले अपना बुक्स को स्टडी कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं चारों ओर कितने किताब इधर रखा हुआ है। दिस बुक्स आर फ्रॉम एनी काइंड ऑफ फील्ड्स कैन बी, यू कैन सी इंडियन राइटिंग, यू कैन रेफर फिक्शन, you can refer Indian writing, fiction, you can write, so refer the award winning books, as well as there are countless books and countless categories. यहाँ पे आपको foreign made chocolates भी दिखाई देगा। see ये कितने सारे books का भंडार भरा हुआ है, और आप नाम लो books इधर आपको मिल जाएगा। मैं थोड़ी देर पहले किसी को foreign author का book के बारे में पूछने के लिए देखा, और मैं देखा कि इधर का मैनेजर इमीडिएटली उनको बोलते हैं इधर ही है, आप देख लीजिए। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस शॉप पेजेस। चलिए मैं आपको अपना दुनिया में लेके चलता हूँ। ये है मेरा दुनिया, सेल्फ हेल्प मैनेजमेंट एंड बिजनेस, यू कैन सी। पेजेस का मैक्सिमम टाइम जब भी मैं आके इधर कुछ बुक्स पढ़ता हूँ, ये मेरा फेवरेट प्लेस है। इधर ही बैठ के मैं शांति से कोई भी बुक का हर एक पेजेस को स्टडी करने की कोशिश करता हूँ, और जो मुझे पसंद आ जाए मैं फटक से उसको ले लेता हूँ। क्योंकि मैं समझता हूँ फिजिकल कॉपी, फिजिकल बुक्स का जो वैल्यू है ना, वो और किधर भी नहीं है। मैं ई बुक्स, PDF इधर से डाउनलोड करने उधर से सब कुछ कर सकता हूँ, पर ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है कि पेजेस एक ऐसा एक जगह है जहाँ पर मैं बुक पकड़ा पढ़ने लगा, बुक्स को पढ़ सकता हूँ। यहाँ का कोई भी स्टाफ मुझे आके डिस्टर्ब नहीं करेगा, बल्कि मेरे लिए कभी कुछ चाय का अरेंजमेंट करेगा, कभी पूछेगा आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको और कुछ चाहिए। सो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि कैसे करके इस पेजेस ने हम सब रीडर्स का दिल लुभाया है, और साथ साथ में दिस पीपल आर हेल्पिंग ए लॉट टू प्रमोट द स्टडी बिजनेस। द स्टडी इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, द स्टडी विल हेल्प अस टू ग्रो आवर सेल्फ। बिजनेस जो मेरा 3 मेजर इंटरेस्ट में से एक है, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, मैनेजमेंट एंड बिजनेस। ये सेक्शन मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट सेक्शन है, जहाँ पे मैं बिजनेस एथिक्स के बारे में और बिजनेस प्रोसीजर्स के बारे में स्टडी कर सकता हूँ। और मैनेजमेंट, सी मैनेजमेंट के लिए मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण जो बुक है वो है अर्थशास्त्र, चाणक्य का लिखा हुआ अर्थशास्त्र। और आज के दिन में अर्थशास्त्र को अगर कोई किसी ने अच्छे से डिकोड किया है तो वो है राधाकृष्णन पिल्लई, डॉक्टर राधाकृष्णन पिल्लई। चाणक्य का अर्थशास्त्र को बहुत अच्छे से, बहुत इन डीप सेंस में से जाके इंडिविजुअल्स के ऊपर बात किया है, और नॉट ओनली पर्सनल कॉरपोरेट फिनेंस मैनेजमेंट एवरीवेयर इट हैज बीन डिस्कस्ड। और मैं हमेशा आके यहाँ से कुछ ना कुछ बुक पढ़ते रहता हूँ। आइए ये सेक्शन फिलोसॉफी का है। फिलोसॉफी सेक्शन हम इंडियन के लिए फिलोसॉफी बहुत मायने रखता है। हम हर एक बातों में फिलोसॉफी लेके आते हैं, हर एक चीज़ों में फिलोसॉफी अपना एक वैल्यू क्रिएट करता है। ये विशाखापट्टनम है, मैं आंध्रा में हूँ, और इधर का जो भाषा है दैट इज तेलुगु। बट आपको इस बुक स्टॉल में नॉट ओनली तेलुगु, आपको हिंदी लैंग्वेज का भी बुक्स मिल जाएगा। लॉट्स ऑफ बुक्स आर देयर ऑन योर ओन इंटरेस्ट, इफ यू वांट यू कैन बाय दिस। तेलुगु में तो डेफिनेटली अलग अलग भाषाओं में भी बुक्स है, आप चाहें तो इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इस स्टॉल में इतने सारे बुक्स है जो दिखा नहीं पाऊंगा, मुझे मोर देन 1 आवर टाइम लग जाएगा। ट्रैवल एंड टूरिज्म,
जो हमारा सबसे करीबी चीज़ होता है। हमें ट्रैवल टूरिज्म सबको पसंद है, घूमने जाना, चलते रहना, कोई भी बुक पढ़ लो, स्टडी कर लो, घूमने से पहले देख के चला जाओ, जाके कोई भी बुक पकड़ो, आप जिस जगह पे जाना चाहते हो, जिस जगह आपको पसंद है, उधर के बारे में अच्छे से स्टडी करो और चलते रहो। वहाँ पे आपको कुकिंग मिलेगा, क्रॉकरी, हर एक बुक अलग अलग टेस्ट बना देता है, और आपके ज़िंदगी को नया सा रंग डाल देता है। सो कीप रीडिंग, कीप लर्निंग एंड be entertained by your study, not only by the bakwas reels, connects and all those web series. जैसे अपने नीचे की तरफ इतने सारे बुक्स का भंडार देखा है, वैसे ऊपर में भी बुक्स, स्टेशनरी और ऐसे बहुत सारे ज़रूरतमंद चीज़ों का भंडार भरा हुआ है। मैं जस्ट वॉक थ्रू करके आपको दिखा देता हूँ। आपको स्टडी, एजुकेशन और इसी की रिलेटेड जो भी होगा, आर्ट वर्क जो भी होगा, वो सभी चीज़ इधर मिल जाएंगे। मैं सोच के आया था एवरी टाइप ऑफ बुक्स आई कवर इन माई वीडियो, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल। और मैं इधर के स्टोर मैनेजर से बहुत कम समय लिया था, विद इन हाफ एन आवर मुझे अपना ये शूट कंप्लीट करना था, तो इसीलिए मैं उन लोगों से ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया और इधर का रीडर्स को मैं ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहा। मैं उम्मीद करता हूँ आप ज़रूर इस स्टोर को विजिट करेंगे, और ऐसे स्टोर अगर बाकी दूसरे सिटी में भी बने तो बहुत अच्छा होगा। चले दोस्तों, एक कप कॉफ़ी के बाद स्टोर के मैनेजर के साथ थोड़ा बातचीत करते हैं, समझते हैं स्टोर कैसे चलता है, क्या क्या होता है उसके बारे में। Our pages tour is almost over, and we are going to discuss with the store manager, Mr. Uday Kiran. Hello, namaste. Namaste. Namaste, Uday ji. So, see, I'm from outside, and I'm from Bengal mainly, and here I'm for a job. With the people who like reading, we used to come here and sit here and read the books most of the time. Right. And there are several times it happens, while reading the book, we found these books are very much important and good for us, creating some value, and we are buying it. I don't know whether it is your part of your business, let me know. Whether it is part of your business. Actually, reading gives pleasure. Reading gives you knowledge. So the main motto and the main vision of our bookstore, Pages Bookshop, is to make everyone read. So to promote literacy, what we are trying to do is we are asking everyone to read books. Nowadays, you know this scenario that nobody is showing interest in reading. But to eradicate that kind of thing, what we are trying to do is we are trying to give that joy to the people of reading, Read books. So if they are willing to read, we are ready to encourage them. So in that scenario, we have started this reading session also. Normally, if you see everywhere in any bookshop, you have to go there, you have to pick a book and pay for it and take it. Then only you can be able to. Yes, we want to close that part. It is more than business. Yes, it is more than business. What we want to do is we want to give that pleasure. Correct. So you are doing mainly the social work. Yes. Better than the business also. Right. Yes. So really, I feel it is a really good and unique initiative. Okay. Right. We have only option to read the books in libraries, but in the stores, even in the store, we can read the book. It is not that much common. Okay. Yes. Yes. Now coming to the some small things I want to know. Pages, is there any other branch is there in Vizag? Right now in Vizag, we don't have any other branch such kind of Pages which gives this kind of. Okay. Right, but
we do provide facilities. Okay. Like we have franchises in and around Andhra Pradesh, and also Telangana, and also Odisha. Okay, is it so? Yes. Okay. So we are directly in contact with them, and we provide books to them. Okay. And as if like pages, there is nothing there. But this sitting arrangement for all reading, no, all no, those arrangements? There is there? Nowhere in, okay. In and around these three states. States, okay. So, I want to know something more about pages. Yes. So, when it was started? It was started 25 years ago with a vision that everyone can read books. Okay. Everyone has the opportunity to read books. So and it has started with a small shop, rather I can say door to door they used to sell. Is it so? Yes. Pages also? Yes. Okay. But gradually the vision of our management, it brought to this kind of larger store. It's being used. And who is the owner of this store? You know the name? It's Navetia family. Navetia family? Yes. Mr. Anjani Navetia, Sunil Navetia, and Anil Navetia. Okay. These three brothers run this store. Okay, okay. So do they have any other stores or any other business? Yes, other than yes. This? They do run Jyoti Book Depot. Jyoti Book Depot? Oh, yes. Jyoti now, Book management Depot? Is again different. Now, Pages is. Leading by Mr. Dheeman Navetia, okay. And okay. He is looking after Pages. Okay. And Jyoti Book Depot and Jyoti Book Education is the largest here. Okay. So different people are working in the okay. For Pages, it is Mr. Dheeman. Mr. Dheeman. Okay. And Jyoti Book is the largest one in. Yes. Yes. Jyoti Book Depot. As well as I think it is ranking. Do you know Jyoti Book is ranking almost first. Top 10 largest store in India. Yes. So largest store in India. So Mr. Udaygran, it was my pleasure to talk to you and to know so many things about Pages. Thank you for your time and your permission for the shoot and all. Thank you very much. Thank you so much. Thank you. Happy reading. आज के इस वीडियो का वीडियोग्राफी मेरा भाई सप्तर्षि किया है जो कि एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर है। उम्मीद करता हूँ आज का इस वीडियो आपको इंटरटेनिंग एंड इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके मुझे प्रोत्साहित करिए। इसी के साथ मैं राजर्षि आज विदा लेता हूँ और फिर मिलता हूँ एक नई सोच, नई खोज और नई दिशाओं के साथ। नमस्ते।